जब हानि धर्म की होई, जब जब हानि धर्म की होई, हसी असुर का असुर का किसी की से कोई काम नहीं है, लेकिन जब जब धर्म की हानि होती है तो साकार रूप में धरती पर आकर के और दुष्टों का दमन करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, और वही है जिसके कारण ये धरती हम देख रहे हैं, जिसके कारण सूर्य उदय हो रहा है, दिन रात हो रहे हैं, वर्षा हो रही है, तीनों ऋतुएं बन रही है, वही है, क्योंकि नारायण दीन दयाल की नारायण भगवान की।
अनंत भगवान वो हैं जिन्होंने चंद्र को बनाया, जिन्होंने सूर्य को बनाया, जिनके कारण दिन रात होते हैं, और वो कालों के काल है, ये सब एक काल में बने हुए हैं। काल आता है तो दिन होता है, काल आता है तो रात होती है, काल आता है तो सर्दी गर्मी बरसात होती है, काल आता है तो प्रलय होता है, काल आता है तो सृष्टि होती है। वो काल उस महाकाल के अंदर है और वही महाकाल अनंत है। बोलिए महाकाल राज राजेश्वर भगवान की। वतन के सतपाल की जरूरत पड़ी। सुकर बनू सुकर रूप धर भूतारा, सुकर रूप धर भूतारा, सुकर रूप धर भूतारा, सुकर रूप धर भूतारा। शेष शेष अनंत जपाल की ये कथा अनंता, शेष अनंत जपाल की ये कथा अनंता, कथा अनंता हर कथा धरती को लेकर के रसातल में चला गया था, तो भगवान ने सूकर का अवतार लिया, वाराह का अवतार लिया, और अपने सींगों पर रख करके पृथ्वी को ऊपर लाए, और फिर वही नारायण अनंत भगवान शेष नाग के रूप में प्रकट हुए, और शेष नाग ने अपने फण पर इस धरती को स्थापित किया। वो अनंत भगवान है। बोलिए अनंत भगवान की। नारायण जो कुछ भी हम देख पा रहे हैं और जो हम नहीं भी देख पा रहे हैं, वो सब के सब अनंत में स्थित है। अनंत से बाहर कोई नहीं है और अनंत के भीतर ही सब कुछ है। अनंत भगवान अनंत है, उनका कोई ना आदि है ना अंत है, इसीलिए कहते हैं जल थल नभ के जीव जगत के, जल थल नभ के जीव जगत के, धरती अंबर अंतरिक्ष के, धरती अंबर अंतरिक्ष के, निर्माता प्रतिपाल की कथा अनंता कथा अनंता हरि कथा।
स्थल नव और सारा जीव जगत और वनस्पति जो भी है, धरती आकाश और अंतरिक्ष भी जो कुछ भी है, उसका तो निर्माता और प्रतिपालक वही अनंत भगवान है। और तो और हमारे अंदर और हमारे बाहर जो कुछ भी है वही अनंत समाया हुआ है। जो सब में सब है उसमें, 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 जो बसता सबकी रग रग में, जो बसता सबकी रग रग में, घट घट वासी गोपाल की ये कथा अनंता, घट घट वासी गोपाल ये कथा, हे नारायण दीन दयाल की ये कथा अनंता, टीवी स्क्रीन के या थिएटर में पर्दे पर फिल्म नहीं चल रही है, जब जय बुलाई जाए तो पूरे मनोयोग से लगना चाहिएगा आप यही हैं, ऐसा लग रहा है आपका शरीर यहाँ बैठा है, लेकिन गीत में क्या गया कहा गया ये समझ में आया क्या? अगर यहाँ बैठेंगे शरीर और मन के साथ तो समझ में आएगा, नहीं तो कथाएं बहुत हो रही है, करोड़ों कथाएं रोजाना हो रही है हर समय। जय इसलिए बुलाई जाती है कि मुझे पता लग जाएगा आप यही हैं, और मुझे ऐसा नहीं लगा आप यही हैं। बोलिए गजानन गणेश जी महाराज की जय। जगदम्बे मात की, विश्वनाथ दरबार की, श्री अनंत नारायण भगवान की, श्री अनंत भगवान की। ओम नमः नारायण। सच कहूं तो यहां आकर के मुझे अविस्मरणीय अनुभव का साक्षात्कार हुआ,
मुझे नहीं लगा था ऐसा दिव्य वातावरण होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी पौराणिक काल में पहुंच गया हूं। पौराणिक काल में जो देखा जाता है वही वातावरण मुझे यहाँ नजर आया और बहुत अच्छा लगा। और मुझे सुल्तान नाय इन भटकों को, इनके शिक्षकों को, कि अपने प्रयासों में 100% सफलता प्राप्त करते रहे। अनंत कथा का ये आयोजन जब मुझे प्रस्ताव मिला कि अनंत कथा करनी है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अनंत कथा बहुत कम प्रचलन हो गया है, जबकि अनंत तो वो हैं जिन्होंने वेदों को अवतरित किया है। अनंत भगवान का वांग्मय स्वरूप वेद ही है। वेदों में केवल अनंत भगवान का ही वांग्मय स्पष्ट होता है, लेकिन चूंकि मनुष्य स्वभाव से ही पतनशील है, मनुष्य की बुद्धि छोटी होती गई, तो फिर व्यास जी के रूप में भगवान ने जन्म लिया और वेदों का विभाग किया। उससे भी बात नहीं बनी तो फिर पुराण लिखे गए। पुराणों में क्या हुआ कि जो वेदों का अनंत था, जो नंगा सच है, छोटी बुद्धि में नंगा सच नहीं आता है, इसलिए छोटी बुद्धि में भी वो विराट अनंत समा जाए इसके लिए उस सत्य के ऊपर आवरण लगाया गया जिससे आकर्षण हो। और उस आकर्षण के रूप में जैसे कोई कड़वी दवा होती है तो ऊपर मीठा ग्लेप लगा दिया जाता है ना, वैसा ही कुछ पुराणों के द्वारा इस सत्य को व्यक्तियों के मन में स्थापित करने का प्रयास हुआ। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि वो जो सत्य था वो कहीं छूट गया और जो आवरण था वो आवरण रह गया। यही कारण रहा कि हमारे सुधार आंदोलन होते अच्छे के लिए हैं, लेकिन कालांतर में जाकर के और वो अपनी विपरीत परिणाम देने लग जाते हैं। और ये अनंत भगवान की कथा जो समय मिला है, बड़े बड़े ऋषिगण, ब्रह्मा दिक, इंद्र आदि दिक्पाल लोग, शेष नाग जिनके सहस्त्र फण हैं वो, और सरस्वती जो वाक विद्या की सर्वे सर्वा मानी जाती है, वे भी जब उस अनंत के एक पासंग का वर्णन नहीं कर पाए तो भला हमारे जैसी छोटी बुद्धि वाले क्या कर पाएंगे। लेकिन फिर भी आज अनंत के इस देश आर्यावर्त में अनंत भगवान ऐसा लगता है कि कहीं खो से गए हैं। जब मुझे प्रस्ताव मिला तो मैंने, मेरे पास एक पुस्तक थी अनंत कथा की, बहुत पुरानी, हमारे दादाजी के समय की, वो अच्छी थी लेकिन वो मिली नहीं। तो दूसरी पुस्तक खरीदने के लिए मैं बाजार में गया तो एक 15 रुपए की पुस्तक मिली, केवल 15 मिनट में हो जाए वो, ऐसी सीधी सी। और उस पुस्तक में केवल सांसारिक स्वार्थों के अलावा कुछ नहीं। तो हमारी विडंबना ये है कि अनंत जैसे मर्यादित देव, जो आदि देव हैं, जिनका न कभी जन्म हुआ है न जो कभी विनष्ट होंगे, आदि अंत से रहित जो देव हैं, उन देव को हमें अन्य रूपों से पुकारना पड़ता है। और अनंत भगवान की कथा की जब बात आए तो वो बिकती नहीं है साहब, हम तो रखते ही नहीं है, बड़े बड़े बुकसेलर्स। तो ये अनंत भगवान की कथा बहुत एक सार गर्भित कथा है। और अनंत भगवान का स्वरूप यदि समझ में आ गया तो किसी स्वरूप को समझने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि अगर अनंत भगवान का स्वरूप समझ में आ गया तो उसी में राम कृष्ण शिव ब्रह्मा सब कुछ उसी में आ जाता है, क्योंकि वही अनंत है जो अनेक रूपों में व्यक्त होता है।
और आइए, क्योंकि समय की कमी है इसलिए अपन सीधे सीधे कथा का प्रारंभ करते हैं। और कथा का प्रारंभ हस्तिनापुर से होता है। तत्रोपविष्टो सूत जी महाराज सोनक जी से कहते हैं कि हस्तिनापुर में आज बड़ा उत्सव का माहौल है, उत्सव का वातावरण है। सोनक आदि ऋषियों ने कहा कि वैसे तो बहुत सारे उत्सव हैं हुए हैं हस्तिनापुर में, लेकिन आप किस उत्सव की बात कर रहे हैं? तो बोले हस्तिनापुर में लाक्षाग्रह का कांड हुआ था, उसके तुरंत बाद युधिष्ठिर के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही हैं। तो सोनक जी ने कहा कि महाराज हमें तो पता है कि लाक्षाग्रह के बाद तो पांडवों को बहुत कष्ट देखने पड़े थे, ये अभिषेक की तैयारियां कैसे? नगर को सजाया गया है, द्वार तोरण द्वार से सजाया गया है, बड़ी बड़ी झांकियां बनाई गई है, मंगल कलश सजाए गए हैं, स्वास्तिक बनाए गए हैं। तो ये तो सूत जी महाराज कहते हैं कि हे स्वर्णकादिक ऋषियों, लाक्षाग्रह जैसे कितने ही प्रयास कौरव लोग पांडवों को की हत्या के कर चुके थे और किसी प्रयास को सफल नहीं हुए। भगवान श्री कृष्ण का जिन पर हस्त है, वरद हस्त है, भला वो किस प्रकार से सफल होते? लाक्षाग्रह में भी गुफा बना करके और वहां से निकल गए थे, जंगलों में भटकते रहे, द्रौपदी से विवाह हुआ अर्जुन का, और आगे भीष्म पितामह विदुर जी, इनको पता लगा कि ये बहुत ही गंभीर अपराध हो जाएगा कुरुकुल में यदि भाई की भाई हत्या कर देंगे, और दुर्योधन बड़ा दुष्ट है, ये पांडव